नमस्कार दोस्तों, दीपक ऑटो रिपेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताऊंगा बजाज डिस्कवर का इंजन किस प्रकार से फिटिंग किया जाता है। तो दोस्तों, यह है इंजन आपको डिस्कवर 100cc, डिस्कवर 100M, डिस्कवर 100T, डिस्कवर 125, डिस्कवर 125M, डिस्कवर 125T, डिस्कवर 125ST, डिस्कवर 150M, पल्सर 135 और प्लेटिना 100ES और प्लेटिना 125 में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस इंजन की फिटिंग किस प्रकार से की जाती है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ये अपना चैम्बर है, तो सबसे पहले हम इसमें क्रैंक को लगाएंगे। तो क्रैंक को रखने से पहले हम इसमें देखिए, यहाँ पे एक सिम लगती है, तो यह लगाएंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों, इसमें हम क्रैंक जो है रख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्रैंक को फिटिंग कर दिया है। मैं गियर को लगाएंगे, तो गियर को फिटिंग करेंगे। तो इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। तो दोस्तों, इसमें जो गियर है वो मैंने सारी की सारी चेक कर ली है। हमने सब पहले से जो गियर है इसको निकाल लेंगे। ये जो गियर है सारे एकदम से सही है, तो मैं इनको वापस से लगा रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमने इस गियर को लगा दिया और दूसरा जो ये गियर है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर दोस्तों, इसके बाद में हम इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से लगा देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो गियर बॉक्स जो है उसकी फिटिंग हो चुकी है। इसके ऊपर हम एक वॉशर आएगा दोस्तों, ये जो वॉशर है ये यहाँ पे हम इस पे लगा देंगे जो ये। इसके बाद में दोस्तों, हम इसमें सीट की जो स्प्रिंग है उसको लगाएंगे। उसके बाद में इसका जो गियर जो है, जो सिलेक्टर जो है वो हम लगाएंगे। तो ये देखिए, दोनों एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटा वाला जो है वो छोटे वाले गियर में आएगा और बड़ा वाला जो है बड़े वाले गियर में आएगा। ये जो गियर सिलेक्टर जो है वो हमारा हम यहाँ पे लगा दूंगा। और दूसरा जो सिलेक्टर है वो यहाँ पे लगा दिया। लीवर हमने यहाँ पे सेट कर दिया और उसके बाद में इसमें ये जो फिटिंग है अपनी यहाँ तक की पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें ये जो किक की स्प्रिंग है वो हमने यहाँ पे लगा दी है। तो हमारे जो चैम्बर की जो फिटिंग है वो पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें ये एना बोर्ड लगाएंगे और इसकी फिटिंग करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें चैम्बर में जो है पैकिंग नहीं आती है, गैसकेट नहीं होता है। इसे हमें बोर्ड से या फिर इसी का गैस किट जो है वो बनाना पड़ता है।
चैम्बर की जो फिटिंग है वो हो चुकी है। अब हम इस पे हेड ब्लॉक को लगाएंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद में हम इसमें पिस्टन को लगा देंगे। और इसका जो लॉक है वो लगा देंगे। अब हम इस पे ये पैकिंग लगाएंगे। इसके बाद में हम इस पे टॉवल लगा देंगे। ये दूसरी जो टॉवल है वो यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद में हम ब्लॉक को लगा देंगे। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है वो फिटिंग हो गया। तो अब हम इसमें जो डावल है वो लगा देंगे और इसके ऊपर गैसकेट को रखेंगे। तो यहाँ पे ये जो गाइड है वो लगा देंगे, टाइमिंग की जो गाइड है उसको लगा देंगे। उसके बाद में इस पे गैसकेट को लगाएंगे और फिर दोस्तों अब हम इसमें ये जो हेड है लगा देंगे, जो कि मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। तो ये जो हेड है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और इसको अच्छे से मैंने लगा दिया इसके। और इसके बाद में दोस्तों अब हम इसमें कैम शाफ्ट को लगाएंगे। इसके बाद में इसके ऊपर ये जो कैम है ये लगा देंगे। दोस्तों अब हम इसके ऊपर ये जो यहाँ पे ये लॉक है केम का, ये लॉक लगा देंगे। तो ये यहाँ पे लॉक है। यहाँ से ये हमने लॉक यहाँ पे इसमें डाल दिया। दोस्तों यहाँ पे लॉक हमने डाल दिया। उसके बाद में हम इसकी टाइमिंग मिलाएंगे और इसकी जो रोकर है उनको लगा देंगे। तो इसके बाद में हम इसमें दूसरा जो रोकर है वो लगा देंगे। रोकर भी हमने लगा दिए। इसके बाद में हम इस पे ये जो प्लेट है ये लगा देंगे। तो ये एक जो गर्म स्टड है ये साइलेंसर की तरफ लगा देंगे, बाकी तीनों हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके बाद में दोस्तों अब हम इसमें ये टाइमिंग चेन जो है वो डाल देंगे। और ये यहाँ पे देखो बुश लगता है, ये बुश लगा देंगे। तो टाइमिंग की जो गियर है उसको लगा देंगे।
दोस्तों ये यहाँ पे देखिए, हमने इसकी जो टाइमिंग है वो हमने यहाँ पे सेट कर दी है। ये जो टी का जो निशान है, ये यहाँ पे सेंटर में रखेंगे एकदम से। ये यहाँ पे एकदम से सेंटर में आ गया। दूसरा जो यहाँ पे देखिए नीचे, ये जो कटर का जो निशान है, इसको हम यहाँ पे एकदम से टॉप में रखेंगे। या फिर अंदर जो पिस्टन है उसको हम देख लेंगे कि वो अपना टॉप में है कि नहीं है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से चेक कर लेंगे, यहाँ से ऊपर चेक करके देखेंगे और इसको थोड़ा सा घुमा के देख लेंगे यहाँ से कि टॉप में है। या हमारा पिस्टन जो है वो एकदम से टॉप में है। तो यहाँ पर हमने टाइमिंग को इसके सेट कर दिया है। तो ये जो अपना टाइमिंग है, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया। और जो विशेषकर आपको ये ध्यान में रखना है, जो ये काटर जो है, जो निशान है काटर जो लगने का जो है, यहाँ पे ये जो घाट बनाया हुआ है इसको हमें एकदम से सीधा ऊपर की तरफ रखना है। तो यहाँ पे ये जो गाइड है वो हम लगा देंगे। गाइड जो है यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने गाइड को लगा दिया। अब हम इसमें ये जो है लंकी का बोल्ट है इसको हम लगा देंगे। तो अच्छे से टाइट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों, अब हम इसमें जो क्लच की जो फिटिंग है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये जो क्लच की किक की जो शाफ्ट है वो लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो नीचे हमने जो स्प्रिंग लगाई थी वो यहाँ पे आपको इसमें सीधी जो ये स्प्रिंग दिखेगी, और इसमें जो ये घाट बना हुआ है ये उसको ये हमें उसमें डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक इसमें वाशर लगेगा, तो इसको वाशर लगा देंगे। और ये जो यहाँ पे जो लॉक है ये हमें इस साइड में रख के पीछे की तरफ रख के इसको यहाँ पे लेके आना है, और ये इसमें घाट में डाल के नीचे वाली जो स्प्रिंग है उसमें डाल देंगे। और इसको ऐसे उल्टा घुमा के यहाँ पे रखेंगे, जिससे आके जैसे भी हम किक मारेंगे वापस घूम के आएगा और यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम ये जो स्टॉपर पत्ती है इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों अब हम इसमें ये जो गियर लीवर शाफ्ट है इसको लगाएंगे। फिर इसके बाद में स्टॉपर पट्टी इसको लगा देंगे। यहाँ पे सेट कर देंगे इसको। इसको मैंने थोड़ा लूज करके ऊपर की तरफ रखा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में वाशर लगाएंगे और इसके ऊपर हम तो ये बुश है। और इसके ऊपर ये जो क्लच का जो हब है इसको लगा देंगे। फिर इस पे जो वाशर आएगा प्राइमरी गियर को लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे एक काटर है, ये काटर लगाएंगे। और फिर इसके बाद में ये जो प्राइमरी गियर है ये लगा देंगे। प्राइमरी गियर को लगा दिया, उसके बाद में हम
हब सेंटर में हम क्लच प्लेट को फिटिंग कर लेंगे और क्लच प्लेट को लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्लच प्लेट को फिटिंग कर लिया है, अब हम इसमें क्लच प्लेट लगा देंगे। हम इस पे ये वाशर लगा देंगे और देखिए जो स्प्रिंग वाशर है दोनों लगा के इसको हम टाइट कर देंगे अच्छे से। इसमें क्या होता है दोस्तों, उल्टी थ्रेड आती है तो इसको हम उल्टा लगाएंगे। तो ये अच्छे से टाइट हो गया, इसके बाद में हम इस पे क्लच की जो स्प्रिंग है वो लगा देंगे। इनको टाइट कर देंगे, एक अकेले को नहीं टाइट करना है, सबको साथ में लेके चलना है। यहाँ पे क्लच की जो फिटिंग है वो हो गई है, अब हम इस ऑयल पंप को खोल लेंगे और उसको चेक कर लेंगे कोई कमी तो नहीं है उसमें। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑयल पंप की गियर है इसको हम यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे इसमें, और उसके बाद में ऑयल पंप को हम यहाँ पे लगा देंगे। ये जो बोल्ट है ये हम वापस लगा देंगे, इसके बाद में ऑयल पंप की जो गियर है उसको हम ये जो बेरिंग है ये बेरिंग लगा देंगे और इसके ऊपर ये हमारा थर्सर बेरिंग है और इसको हम यहाँ पे सेट कर दिया। क्लच प्रेस की जो पिन है वो लगा देंगे और यहाँ पे जो ऊपर जो हेड में ऑयल पंप से जो क्रैंक के अंदर ऑयल सप्लाई के लिए ये यहाँ पे ये निपल लगती है जो यहाँ से प्रेस होके ऐसे चिपक जाती है जिससे अंदर ऑयल जाने लग जाता है, और इसमें यहाँ पे कवर पे चिपकी हुई रहती है इस जगह पे, तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। रबड़ी लगा के ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑयल फिल्टर है जो उसकी फिटिंग हो गई है। तो दोस्तों अब हम इसमें मैग्नेट कॉइल को लगा देंगे। तो ये मैग्नेट कॉइल है अपनी जिसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इसमें, और इसके बाद में इसके ऊपर ये जो एलंकी के जो इसके बोल्ट हैं वो हम यहाँ पे लगाएंगे।
दोस्तों ये जो हमारी पिकअप कॉइल है इसको टाइट कर देंगे। मैंने इसमें नए स्क्रू लगाए हैं, अभी एलएनजी के लगा दिए हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें जो हमारी काटर है, ये काटर जो है मैग्नेट की चाबी जिसको बोलते हैं, इसको लगा देंगे। यहाँ पे सेट करेंगे तो फिटिंग कर दिया। तो ये हमारा मैग्नेट जो है यहाँ पे जो मैग्नेट जो वनवे का जो किट है उसको हम फिटिंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों अब हम इसमें ये जो वन वे की जो छर्रे हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए एक स्प्रिंग डाल देंगे। यहाँ पे हमने स्प्रिंग लगा दिए और ये जो गोली है वो लगा देंगे और यहाँ पे इसको सेट कर दिया। यहाँ से दबा के रखेंगे और ये दूसरी जो गोली है वो यहाँ पे इसमें डाल देंगे। इसी प्रकार से हम ये जो पांच हमारे जो सर हैं पांचों को यहाँ पे सेट करना है। दोस्तों ये क्या है, ये वन वे का काम करता है, ये एक तरफ ही चलता है। जैसे हमारा वन वे जो रास्ता होता है उसी हिसाब से होता है, एक तरफ ही जाना होता है इसमें, उसी हिसाब से ये भी वन वे है, एक ही तरफ चलता है, एक तरफ ये बंद रहता है, एकदम फ्री रहता है। हमारे जो पांच जो छरे हैं वो हमने वन वे के जो सेट कर दिए। अब हमें इस पे ये ऊपर का जो बोल्ट है वो लगाना और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों ये हमारा टाइट हो गया यहाँ से। यहाँ पे एक बोल्ट है, ये चेंबर का है, बीच का जो चेंबर है उसके लिए है। तो ये बोल्ट यहाँ पे हमें लगाना होता है, तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे और इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। फिर इसके बाद में इसके ऊपर ये जो गियर है वो हम डाल देंगे। तो इस पे देखिए दोस्तों यहाँ पे दो वाशर लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे, ये दोनों है, आप चेक कर लें एक बार और यहाँ पे इसको लगा दें। और ये हमारा यहाँ तक का काम जो है पूरा हो चुका है। ये जो मैग्नेट का जो कवर है वो हम लगा देंगे। जो मैग्नेट का कवर है ये हम यहाँ पे इस पे लगा देंगे। ये सारे जो बोल्ट है यहाँ पे हम इसमें डाल के इसको टाइट कर देंगे।
में हम इसके डेपिट जो है वो सेट करेंगे। तो दोस्तों इसमें चार वाल होते हैं, तो दो साइलेंसर की तरफ आते हैं डेपिट और दो कार्बेटर की तरफ आते हैं, तो हमें इनको एडजस्ट करना होता है। तो जिसको देखिए मैंने एक को तो पहले से एडजस्ट करके रखा था, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इनको सेट कर दिया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, और दीपक ऑटो रिपेयर के अपकमिंग वीडियोस देखें सबसे पहले।